बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं, क्या वो नए वीज़े पर सऊदी अरब वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनके अकामे एक्सपायर हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कफ़ील या कंपनी अकामा रेन्यू नहीं करती और वो कंपनी से भाग जाते हैं। कुछ लोगों को कंपनी या कफ़ील हरूब लगा देते हैं और कुछ लोगों के अकामे ख़त्म होते हैं। ऐसी तमाम सूरतों में अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसको तरहील के ज़रिए डिपोर्ट किया जाता है। तो अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो ये है कि अगर आपको सऊदी अरब से जवाज़ात ने तरहील के ज़रिए डिपोर्ट किया है, यानी आप डिपोर्टेशन सेंटर से होकर आए हैं जेल के ज़रिए, तरहील के ज़रिए, और आप दोबारा से वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, तो आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा और उस सिलसिले में आप अपना स्टेटस भी कंफर्म करवा सकते हैं। स्टेटस अगर आपने मालूम करना है, जिसको हम देखें, दो तरह के स्टेटस होते हैं। एक जवाज़ात का स्टेटस होता है और एक एयरपोर्ट का स्टेटस होता है। एयरपोर्ट अगर आप जवाज़ात का पेपर निकलवाते हैं तो वहाँ पर खरूज निहाई लिखा होता है, क्योंकि आपको जवाज़ात से खरूज पर भेजा जाता है, लेकिन आते आप डिपोर्टेशन सेंटर से हैं। तो अगर आप स्टेटस चेक करवाना चाह रहे हैं तो एयरपोर्ट का जो स्टेटस है वो आप चेक करवा सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप का, आप उस नोट कर लें, 03054051144, 03054051144, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब इसमें देखें, अगर तो आपको हरूब था या आप जो है अकामा ख़त्म था, उसके बाद आप पकड़े गए और फिर आपको उन्होंने तहील के ज़रिए डिपोर्ट किया, या फिर आप जो है वहाँ पे मुकीम थे, आपका खरूज निहाई था लेकिन वो एक्सपायर हो गया और आप उसके बाद भी वहाँ मौजूद रहे और फिर आप जो है वो तहील के ज़रिए आए हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली मरतबा सऊदी अरब जाते हैं और उनका अकामा नहीं बनता, तो उनको भी वो बाज़ औक़ात वो जवाज़ात से खरूज लगवा कर आ जाते हैं। तो ऐसी तमाम सूरतों में जवाज़ात का कहना है कि आपको लाइफ टाइम बैन किया गया है, ताहयात आप ब्लैकलिस्ट हैं। तो ब्लैकलिस्ट मज़ीद कंफर्म करने के लिए, चेक करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको पेपर निकलवा के दे दूंगा। उसका ये बेनिफिट होता है कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नया वीज़ा हासिल कर लेते हैं, नया वीज़ा लेने के बाद अपना मेडिकल भी करवा लेते हैं, बायोमेट्रिक भी करवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही पासपोर्ट जमा होता है एम्बेसी में तो वो उसके ऊपर मरहल लिख देते हैं, मरहल यानी कि डिपोर्टेड, और मना दखूल आपका स्टेटस होता है तो आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। तो ऐसे में आपका काफ़ी नुकसान होता है, मेडिकल का भी नुकसान होता है, फिंगरप्रिंट के पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, और जो एजेंट को आपने सर्विस फ़ी दी होती है वो भी आपकी आलमोस्ट ज़ाया हो जाती है। तो दूसरा तरीका ये है कि ऐसे लोगों पर उम्रे पर भी पाबंदी आयद है, उम्रे पर भी जो है वो नहीं जा सकते। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल की पाबंदी है, कुछ लोग कहते हैं 5 साल की पाबंदी है, लेकिन जो न्यूज़ है अभी जो जवाज़ात की जानिब से है, अगर आप डिपोर्टेड हैं तो वर्क वीज़े पर आप नहीं जा सकते, और उम्रे पर अगर आप जाना चाहते हैं तो 10 साल का बैन है। अब बहुत से लोगों ने अपना उम्रा वीज़ा लगवा लिया, लेकिन उम्रा वीज़ा लगवाने के बाद जैसे ही वो सऊदी अरब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया गया, तो आपकी टिकट भी ज़ाया होगी और आपका पैकेज भी ज़ाया होगा। तो बेहतर है कि आप अपना स्टेटस पहले हमसे चेक करवा लें। बहुत से लोग छुट्टी पर आते हैं फिर वापस नहीं जाते, तो उनको सिस्टम खरज वलमियत की कैटेगरी में डाल देता है। तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप पहले अपना स्टेटस चेक करवाएं। अगर आपका स्टेटस क्लियर है, आप मरहल नहीं हैं, आप मना दखूल नहीं हैं, आप ब्लैकलिस्ट नहीं हैं, तो फिर आप जब वो ट्रैवल की तैयारी करें। मेरा व्हाट्सएप एक बार दोबारा से नोट कर लें, पेपर के लिए मुझसे रब्ता कर लें। एक जवाज़ात का पेपर है और एक एयरपोर्ट स्टेटस पेपर है, दो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप एयरपोर्ट का पेपर निकलवाएँ, अगर वो क्लियर है तो फिर आपका जवाज़ात का पेपर निकलेगा, क्योंकि उस पर ही आपका नया वीज़ा स्टैम्प होगा। 03054051144, 03054051144। वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।